वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैपेसिटर्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी फ्रिक्वेंसी से पूछा जाने वाला जो सवाल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको कहा जाता है, आपको एक कैपेसिटर दे दिया गया है और उस कैपेसिटर में कुछ चेंजेस लगाते हैं, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना, प्लेट्स के बीच की दूरी को कम करना या बढ़ाना, प्लेट का ओवरलैपिंग एरिया चेंज करना। और आपसे पूछा जाता है कि ये जो इफ़ेक्ट हमने लगाया इसका क्या असर होगा उसकी कैपेसिटी पर, जो हम डायरेक्टली बता सकते हैं ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स के बेसिस पर और डायलेक्ट्रिक के बेसिस पर। दूसरा पूछते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पोटेंशियल पर, चार्ज स्टोर्ड बाय प्लेट्स पर। तो इन सब पर इफेक्ट हमें निकालना होता है। कई बार एक फैक्टर चेंज किया जाता है, कई बार कंबाइंड इफेक्ट देखना होता है एक से ज़्यादा फैक्टर्स को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन इट्सेल्फ कंसिस्ट ऑफ ए लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो हम एक ही सवाल से पूरे सवालों की एक सीरीज कवर करने वाले हैं बच्चों। सो इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन अगर मैं आपको ये लिखवाता हूँ, यू आर गिवन, आपको दिया गया है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी है सी विथ चार्ज क्यू। ये विथ का शॉर्ट फॉर्म, ये चार्ज का शॉर्ट फॉर्म। माना कि उसके पास चार्ज है क्यू और क्यू चार्ज की वजह से उसका जो पोटेंशियल हो गया है वो हो गया वी चार्ज क्यू, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो उसकी प्लेट्स के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म इट्स प्लेट्स, इज वी। और उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड जिसका एक्सप्रेशन हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिराइव करके निकाला था, इज यू, कैपिटल यू है, ये आपको दिया हुआ, दिस कैपेसिटर इज गिवन टू यू। अब नया हम क्या कर रहे हैं इसमें, नाउ इफ वी इंट्रोड्यूस, मोस्ट कॉमनली जो करते हैं वो इफेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो इफेक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इसके साथ पैरेलल में हम और इफेक्ट भी कंसिडर करेंगे। नाउ इफ वी इंट्रोड्यूस, लेकर आते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मटेरियल भी लिख सकते हैं, बिटवीन इट्स कंडक्टिंग प्लेट्स, उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, देन फाइंड, तो हम पता लगाना है क्या क्या पता लगाना है। अच्छा, बोर्ड में या कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन में साथ में डिटेल ना दी गई हो, सिर्फ ये दिया है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के विड्थ की बात नहीं कर रहे, उसकी थिकनेस की बात नहीं कर रहे, उसके एरिया की बात नहीं कर रहे, तो आप ये मान सकते हैं कि पूरे में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो पूरे बीच का जो पूरा कैपेसिटर में जो जगह थी दोनों प्लेट्स के बीच, उस पूरे में हमने डाइलेक्ट्रिक को भर दिया है, देन फाइंड क्या क्या पता करना है। पार्ट ए, न्यू कैपेसिटी, अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई वो हमें निकालनी है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस उसकी प्लेट्स के बीच, न्यू चार्ज, अब नया चार्ज कितना होगा उसके पास, एनर्जी, और कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ लेते हैं
न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पुराना वाला हम मान लें डिफॉल्ट से वो था कैपिटल ई, तो अभी नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये सब हमें पता करना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। हम ये मान लेते हैं कि पुरानी वैल्यूज थी रिस्पेक्टिवली, दिख रहा है हमको ये सी है, चार्ज क्यू है, पोटेंशियल वी है, एनर्जी यू है, और जो नई वैल्यूज हैं सपोज वो है सी डैश, पोटेंशियल डिफरेंस है वी डैश, नया चार्ज है क्यू डैश, नई एनर्जी है कैपिटल यू डैश, और नया इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई डैश, जिनकी वैल्यूज हम पता करना चाहते हैं अब कितनी हो गई। सो हाउ टू प्रोसीड, हम क्या करते हैं बच्चों, टेबुलर फॉर्म में इसको सॉल्व कर देते, एक टेबल बनाते हैं हम, क्योंकि जब भी कैपेसिटर के साथ ऐसी सिचुएशन आएगी तो दो बातें हो सकती कि ये जो काम हम कर रहे हैं यानी डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जब कैपेसिटर पावर सोर्स से जुड़ा हुआ है, और तब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जब उसे पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो दोनों सिचुएशन में थोड़ा सा अंतर आ गया। बाल्टी नल के नीचे लगी हुई है, नल अभी चालू है, फिर अगर हम बाल्टी को फैला दें लेवल डाउन जाएगा, पर अभी और पानी भर सकता है उसमें। नल बंद है फिर बाल्टी को फैला दो, लेवल डाउन जाएगा, अब और पानी नहीं आ सकता। हालांकि कैपेसिटी बढ़ गई है पर और पानी, अमाउंट ऑफ वाटर कोरिस्पॉन्ड्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज, लेवल ऑफ वाटर कोरिस्पॉन्ड्स टू पोटेंशियल, ऐसे हम लिंक कर सकते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको समझा था इस कंसेप्ट को। तो बच्चों यहां पर मैं दो सिचुएशन लेता हूं, पहली सिचुएशन जबकि बैटरी जुड़ी हुई है, मींस बैटरी कनेक्टेड। तो सिंपल सा रूल है, जब तक बैटरी जुड़ी हुई है तो जैसे चार्ज कम होगा बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज देगी, उसको इतना चार्ज देगी कि पोटेंशियल, जैसे बाल्टी नल चालू है तो बाल्टी लबालब भरी रहेगी ऊपर तक, तो लेवल कांस्टेंट रहेगा, मींस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो बैटरी कनेक्टेड का मतलब होता है कि पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ये कंसेप्ट हम लगाकर चलते हैं। वी इज कांस्टेंट यानी वी डैश इज इक्वल टू वी इन दिस सिचुएशन। पर अगर बैटरी को हटा दिया गया, बैटरी को हटाने के बाद हम डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच, तो दूसरी सिचुएशन बनती है बच्चों, बैटरी डिसकनेक्टेड, हटा दिया है बैटरी को, तो हटा दिया है तो क्या स्थिति रहेगी, अब चार्ज ना तो कहीं से आ सकता है इसमें, ना यहां से कहीं और जा सकता है, आ भी नहीं सकता जा भी नहीं सकता, तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अब चार्ज कांस्टेंट रख कर हम बाकी सिचुएशन मतलब वैल्यूज पता कर लेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स की। सो सॉल्यूशन देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। जो प्रॉपर्टी है उसके लिए मैं तीसरा कॉलम बना देता हूं जिसे हम चेंज करने वाले हैं। सो हियर सबसे पहले हम बात करें कैपेसिटी की, न्यू कैपेसिटी, न्यू कैपेसिटी सी डैश कितनी होगी। बैटरी चाहे जुड़ी हुई हो चाहे बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाए, अगर हम डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं सी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, ए इज ओवरलैपिंग एरिया, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन जीरो इज परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। जब हम मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं सो कैपेसिटी बिकम्स K टाइम्स कैपिटल K इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो यहां आपको दिया हुआ रहेगा कि जो डायलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस की है इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैपिटल K है, या तो ब्रैकेट में लिखा रहेगा या वैल्यू लैंग्वेज में लिखी रहेगी। सो हियर कैपेसिटी बिकम्स K टाइम्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा हुआ है या डिसकनेक्टेड है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, नई कैपेसिटी सी डैश, बैटरी अगर कनेक्टेड है देन इट बिकम्स के टाइम्स सी,
battery disconnected, then also k times c. Capital K here is dielectric constant of the material जो कि हम introduce कर रहे हैं slab को. आगे इसके इसके आगे अगली बात हम करते हैं. Next is potential का क्या होगा, नया potential V dash. बैटरी अगर कनेक्टेड है देन V डैश इज इक्वल टू V, देर इज नो चेंज एट ऑल, क्योंकि बैटरी का धर्म है, बैटरी का फर्ज है, जब तक बैटरी जुड़ी हुई है पोटेंशियल विल रिमेन सेम. बैटरी अगर डिसकनेक्ट कर दी गई तो पोटेंशियल का क्या होगा, अभी चार्ज सेम है, यहाँ पोटेंशियल हमें पता करना है. तो ये कॉलम में अभी ये ब्लॉक अभी खाली छोड़ता हूँ, इसको भरने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों. यहाँ मैं लिखता हूँ नए चार्ज का क्या होगा, Q डैश इज द न्यू चार्ज. तो मुझे पता है बैटरी डिसकनेक्ट कर दिया, चार्ज कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो डिसकनेक्टेड की सिचुएशन में नया चार्ज पुराने चार्ज के बराबर होगा, Q डैश इज इक्वल टू Q. बट ये जो ब्लॉक है ये मुझे सोचकर भरना होगा, और इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ Q इक्वल टू CV, वेल नोन फॉर्मूला Q इक्वल टू CV. तो अब देखिए यहां पर मैं क्या भर दूं, Q डैश इक्वल टू नई कैपेसिटी C डैश इंटू नया पोटेंशियल V डैश. अब C डैश कितना है, K टाइम्स C, और V डैश कितना है, V पुराने पोटेंशियल के बराबर, और CV क्या है, CV है बच्चों पुराना चार्ज. तो ये बन जाता है K टाइम्स Q, क्योंकि CV की जगह मैंने लिखा Q. तो हमने देखा जो चार्ज है वो कितना हो गया, K टाइम्स, क्योंकि बैटरी लगी हुई थी, क्योंकि बाल्टी में नल चालू था, बाल्टी की कैपेसिटी अगर बढ़ा दी हमने तो और पानी आ जाएगा उसमें. यहां बात करते हैं ये जो ब्लॉक हमने खाली छोड़ा था, पोटेंशियल फॉर्मूले को मैं फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ, V इक्वल टू क्यू बाई सी, मैं इसको लिखता हूँ. अभी मैंने क्यू बाई सी लिखा, तो हमें पता है जब बैटरी डिसकनेक्ट कर चुके हम, तो बच्चों चार्ज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज इज सेम. तो यहां जो नया पोटेंशियल है V, वो होगा Q अपॉन, वैसे मैं लिख सकता हूं Q डैश अपॉन C डैश. अब Q डैश तो Q ही है और C डैश है K टाइम C. तो यहां से Q बाय C को अगर मैं V लिखता हूं, पुराना वाला V, देन इट बिकम्स V बाय K. इट मीन्स The potential becomes 1 upon k times. Potential कम हो गया. देखो capacity बढ़ गई, और पानी आ नहीं सकता कहीं से. बाल्टी चौड़ी हो गई, capacity बढ़ गई, पानी और कहीं से आ नहीं सकता, तो क्या होगा, level down जाएगा. Potential becomes 1 by k. Okay. Next, electric field की बात पहले कर लें, फिर energy की बात करते हैं हम. Electric field का क्या होगा, नया इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास. पहला फॉर्मूला है E होता है V by D. अगर प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस भी हम बदलें तो D का इफेक्ट भी आएगा, नहीं तो सिर्फ V का इफेक्ट आएगा. दूसरा फॉर्मूला जिससे हम फैमिलियर हैं, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहां पर सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला पर्पस सॉल्व कर देगा, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा. तो अगर मैं इस ब्लॉक के लिए, यानी बैटरी जब कनेक्टेड है, नया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, डिस्टेंस में हम कोई चेंज कर नहीं रहे, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस उतनी है, पोटेंशियल वी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वी डैश अपॉन डी डैश, जो कि V अपॉन D, जो कि पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, इक्वल टू E. देर इज नो चेंज, क्योंकि नया पोटेंशियल भी उतना ही है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स चेंज नहीं हो रही है. पर बैटरी अगर डिसकनेक्टेड है और मैं यहाँ पर पता करना चाहता हूँ, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, तो मैं यहाँ पर E डैश की वैल्यू, E डैश के लिए जब वैल्यू लिखूंगा V डैश अपॉन D डैश, तो D तो उतना ही है पर V चेंज हो चुका है, आप देख रहे V हो गया V by K. So I should write here V by K and V by D is old electric field E. So it becomes E upon K. It means electric field
becomes 1 upon k times. ये तो इस तरीके से हमने देखा. अगर हम दूसरे फॉर्मूले से देखें तो q upon epsilon 0 a फॉर्मूले में a चेंज नहीं हो रहा है, पर epsilon 0 मीडियम चेंज होने की वजह से epsilon 0 के साथ कैपिटल k नीचे आएगा. इस केस की बात करें तो कैपिटल k नीचे आएगा और q जो कि हो गया k टाइम्स q, तो कैपिटल के ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा कट जाएगा दोनों साइड, तो वापस ए बन जाएगा. जबकि यहाँ पर कैपिटल के नीचे आएगा ऊपर कोई चेंज है नहीं, चार्ज उतना का उतना ही है, तो अगेन वी विल गेट द सेम वैल्यू ई बाय के. चाहे फॉर्मूला लगाए हम q अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए, चाहे फॉर्मूला लगाए हम v अपॉन डी. अब बात करते बच्चों एनर्जी की, उसका क्या होना है. नई एनर्जी u डैश, हमारे पास एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले हैं. आपने पढ़ा था कौन कौन से फॉर्मूले, हाफ सी वी स्क्वेयर, हाफ क्यू वी एंड हाफ क्यू स्क्वेयर अपॉन सी. अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे ये आपको दिमाग लगाना है, कौन सा फॉर्मूला आप कहाँ पर लगाओगे. तो सिंपल सा लॉजिक है, हमें वो फॉर्मूला चुनना होता है जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट होती हैं, वेरिएबल ना हो, जो बदल नहीं रही हो. तो यहाँ देख रहे हैं जब बैटरी कनेक्टेड है पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हाफ सी वी स्क्वेयर, क्योंकि उसमें पोटेंशियल आ रहा है और कैपेसिटी जो कि इन जनरल कॉन्स्टेंट होता है, और यहाँ पता है हमें कैपेसिटी के टाइम्स हो रही है. तो ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हाफ सी वी स्क्वेयर, तो मैं लिखूंगा नई एनर्जी होगी हाफ सी डैश यानी नई कैपेसिटी, हाफ में तो कोई चेंज है नहीं, v डैश स्क्वेयर. अब हमें पता चल रहा है v तो उतना ही है, बस c डैश हो गया k टाइम्स. जब c डैश k टाइम्स हो गया है तो एनर्जी भी क्या हो गई k टाइम्स. कैसे, ये मैंने वैल्यू रखी हाफ k टाइम्स c, v डैश की जगह v और हाफ सी वी स्क्वायर है पुरानी एनर्जी, तो नई एनर्जी हो गई है k टाइम्स u. तो बताओ बढ़ गई या घट गई, तो जवाब है बढ़ गई, एनर्जी गोस अप, ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है अगर बैटरी कनेक्टेड है, क्योंकि और चार्ज मिल गया उसको, उसमें बैटरी ने कुछ और वर्क किया और चार्ज देने में, और वो एक्स्ट्रा वर्क और जाकर स्टोर हुआ, और जाकर स्टोर हुआ तो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ गई. अब हम बात करते हैं जब बैटरी डिसकनेक्टेड है, चार्ज ना कहीं से आ सकता ना कहीं जा सकता है, देन एप्लीकेबल फॉर्मूला इज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाता हूँ, हाफ नया चार्ज q डैश का स्क्वायर अपॉन c, तो हमें पता है c हो गया है k टाइम c एंड q डैश, व्हाट अबाउट q डैश, q डैश q के बराबर ही है, तो ये मैं लिखूंगा हाफ q डैश की जगह q और c की जगह k टाइम c, तो मुझे मिलता है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, जिसको मैं पुरानी वाली एनर्जी यानी यू लिख सकता हूँ, और एक्स्ट्रा बचा कैपिटल के जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो इट बिकम्स ओल्ड एनर्जी यू अपॉन के, यानी एनर्जी डिक्रीज हो गई है, एनर्जी गेट डिक्रीज्ड. कैसे, बाल्टी के एग्जांपल से सोच के देखो, बाल्टी को आपने चौड़ा कर दिया, नल बंद कर चुके हैं आप, नल बंद कर दिया, बाल्टी की कैपेसिटी बढ़ गई, बाल्टी को चौड़ा कर दिया आपने, ज़्यादा पानी आ सकता है, लेवल डाउन गया है, लेवल डाउन गया नहीं, पानी ऊपर से नीचे गया है, ऊपर से नीचे गया है, तो ऊपर से नीचे जाने में उसने कुछ वर्क किया है, और जो वर्क किया उसमें उसने कुछ एनर्जी खो दी है, ऐसे ही कैपेसिटर ने भी कुछ एनर्जी खो दी है. तो आप समझ गए होंगे, तो ये जो क्वेश्चन है एक ये रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी को ये बिलोंग करता है. इससे कई और दूसरे सवाल सॉल्व आप कर सकते हैं, बाकी जो और फैक्टर्स हैं उसको भी हम इसी तरह से समझ सकते हैं, डिस्टेंस बढ़ा दें घटा दें क्या होगा, ओवरलैपिंग एरिया को चेंज कर दें क्या होगा, दो दो फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली लगाएं. अगर बेसिक आपको क्लियर है तो इससे मिलता जुलता सवाल कैसा भी आपसे पूछ लिया जाए आप कर सकते हैं. तो बच्चों स्टूडियो सेटअप हो चुका है और अब आप रेगुलरली वीडियो देख पाएंगे, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में. 11th क्लास के वीडियो भी मैं शूट करूंगा, 12th के भी, पूरी फिजिक्स में शूट करूंगा, फिर बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी हाथ डालेंगे. ओके बच्चों, हैप्पी लर्निंग.